साल गुलजार दादी के दर में आता है, ज्ञान सुनाता है। कोई भी धर्म गुरु गया आया, श्री राम गया, लक्ष्मी गई, दुर्गा गई, अभी देखो स्वामी नारायण का गुरु था प्रमुख स्वामी शरीर छोड़ा, सत्य साई बाबा गया, कहाँ गए? अभी सत्य साई बाबा के कितने फॉलोअर्स हैं, उनको कौन पढ़ाएगा, उनको कौन देखेगा? उन्होंने भी दूसरे शरीर में आना चाहिए ना। श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, कहाँ गए? अभी दूसरे शरीर में आ सकते हैं ना, कोई गया हुआ आया नहीं। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आता था। ब्रह्मा बाबा गया तो भी गुलजार दादी के तन में आके आज भी पढ़ाई पढ़ाता है। कोई धर्म गुरु कोई देवता गया हुआ आया तब कहता भगवान बच्चों को जन्म दे के छोड़ते नहीं है, पालना करते हैं, खिलाते पिलाते पढ़ाते, भगवान पालना करता है। तो एक शरीर नहीं तो दूसरे शरीर में आकर गुलजार दादी के तन में आकर इतने सालों से 50 साल हो गए। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद भी 50 सालों से गुलजार दादी के तन में आकर के भी मुझे सुनाई कि नहीं सुनाई? श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, श्री राम दोबारा आया, लक्ष्मी दोबारा आई, दुर्गा भी आई और वापस हनुमान जी आया, कोई आया? तब कहा भगवान इस धरती पर कैसे आता है और सबका सुनता है, समझ में आया? तो उसके साथ सर्वसंबंध रखो। अगर कोई मुरली के पॉइंट समझ में नहीं आए, शिव बाबा टीचर है, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा से पूछो, बाबा आप टीचर हो, आप बता आज आपने मुरली में ऐसे कैसे कहा, इसका अर्थ क्या है? बीमार हो गई, बाबा आप मेरे डॉक्टर हो, मैं क्या करूं, किस डॉक्टर के पास जाऊं? वो आपको टचिंग देगा, सिखाएगा, बच्चे ही सोचते हैं। खाना बनाते हो, बाबा किस आज आपके लिए क्या खाना बनाऊं, बाबा को पूछ, बाप है। तो सब संबंध अगर आप जोड़ते हो तो इससे भी किए हुए पाप नहीं मिटेंगे, लेकिन दोबारा पाप नहीं होगा। इसको योग कहते हैं, जोड़ना। कर्म करते करते डॉक्टर है, साजन है, खाना किसने बता रहे हो? मेरे पति के लिए बना रहे हो, मेरा साजन है, भगवान मेरा बेटा है, सब संबंध उससे जुड़े हो सकता है, इसको कहते हैं योग। अब तीसरा आया तपस्या, जो किए हुए पाप को मिटाने के लिए तपस्या चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, पक्का? आपने पाप किया है नहीं, कैसे मिटाएंगे? हाँ, पाप किया हुआ कैसे पता चलेगा? हाँ, स्वप्न बताता है। तब पूछा, जितने इधर बैठे हो आप में से कोई भी एक व्यक्ति भी हाथ उठा के बताओ, आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया, ऐसा कोई पुण्य आत्मा है? कहते कानपुर में है, हाँ, एक भी नहीं है। मतलब आप चाहते हो, गुस्सा करना चाहते हो? हाँ, अगर गुस्से का संस्कार एक अंश रह गया तो सत्य का टिकट मिलेगा? हाँ, जा सकते हैं। थोड़ा सा गुस्सा रहेगा, ज्यादा नहीं, चलेगा? तो मना कानपुर वाले कोई भी सत्य में जाना नहीं चाहते हो? जाना चाहते हो तो गुस्सा लेके जाएंगे, फिर क्या करना पड़ेगा इस भट्टी में? तो क्या करो, बाबा को लिख करके, बाबा एक महीने के लिए इस गुस्से को आप अपने पास हमारे पास भेजना नहीं है, तो लिख कर बाबा के कमरे में चिट्ठी डाल के जाओ, भट्टी का कुछ दक्षिणा देना पड़ेगा ना। हाँ, सिर्फ बाकी नहीं, एक लो, एक को जीत लो, चारों अपने आप को जीत। क्रोध एक सब का कारण है, एक को जीत लो, असहज है। हाँ भाई जी, बहुत गुस्सा करता है, आग लगती तो नहीं है ना, लगती है, दर्द होता है नहीं, वो गुस्सा करते कर ले दो, बोल ले दो, मुझे चुप रहना, मुझे जवाब देना नहीं, लेकिन मुख से चुप रहो, मन से चुप नहीं रहना, मन ही मन सोचना शिव बाबा या आपका बच्चा है, आपने कहा था गुस्सा नहीं करो, आप इसको शांत करो, आप इसको समझाओ, बाबा से आप बात करते रहो, वो कितना भी गलत चीज बोलता है, गुस्सा करता है, कुछ नहीं होता है, आग जलन नहीं होती है, दर्द नहीं होता, दर्द होता है,